हेलो फ्रेंड्स, आपका बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल 2018, कंप्यूटर एप्लीकेशन पेपर फर्स्ट और जो पेपर सेकंड है उसका वीडियो मैंने आपको पहले ही बता दिया है यहाँ पर। और ये आपका पेपर फर्स्ट है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड पीसी सॉफ्टवेयर, जो आपका 40 मार्क्स का हुआ है। देन प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए 50 मार्क्स का पेपर हुआ है। अब पेपर डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे ये भी जान लेते हैं, जो मैंने पहले मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाया था यहाँ पर, तो उसमें से जो बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो पूरे पेपर है उसमें 35 मार्क्स के जो हमारे क्वेश्चन है वो आए हैं। और ऑब्जेक्टिव तो मैंने प्रोवाइड नहीं करवा पाई थी मैं यहाँ पर आप लोगों को। जो थियोरेटिकल क्वेश्चन दिए थे उसमें से 35 आउट ऑफ 35 यानी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। और इसके अंदर वही आपका ए बी व सी जो पार्ट है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे ए पार्ट की, जो आपके हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। देखते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे यहाँ पर। सबसे पहले वही आपका यहाँ पर कि जो आपको सही उत्तर चयन करना है, सॉफ्टवेयर क्या है। GUI का पूरा नाम क्या है? नेक्स्ट, एमएस एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? DSS का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर है? अब आ जाते हैं हम हमारे यहाँ पर सेक्शन बी। जो सेक्शन बी है आपका वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5 × 2 × 10 मार्क्स। सबसे फर्स्ट इज कैश मेमोरी क्या है, यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, रिसाइकल बिन की उपयोगिता को समझाइए। एमएस वर्ड में स्पेल चेकिंग को समझाइए। स्लाइड शो पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डीएसएस की महत्व को समझाइए। विकेंद्रीकरण क्या है, डिजिटल हस्ताक्षर क्या है, ई कैश क्या है। फ्रेंड्स, जो ये टिक किए हुए हैं यहाँ पर वो मॉडल क्वेश्चन पेपर में से पूछे गए प्रश्न हैं यहाँ पर, जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाए थे पहले ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। और आपको लगता है फ्यूचर में चैनल आपके काम आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी कंप्यूटर सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम को समझाइए। असेंबलर कंपाइलर एवं इंटरप्रेट के बीच के अंतर को समझाइए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसके प्रकार और कार्य को समझाइए। नेक्स्ट है एमएस विंडोज की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एमएस एक्सेल में चार्ट कैसे उपयोगी है समझाइए। एम एस पावर पॉइंट में हम प्रोजेक्शन कितने प्रकार से बना सकते हैं विस्तार से समझाइए। एक्सपर्ट सिस्टम को विस्तार से समझाइए। MIS की विशेषता और एप्लीकेशन एरिया की व्याख्या कीजिए। ई बिजनेस मॉडल को विस्तार से समझाइए। क्रिप्टोग्राफी को विस्तार से समझाइए। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मॉडल पेपर नहीं देखा है तो यहाँ पे नीचे लिंक दी हुई है वीडियो में, आप एक बार उसे कंपेयर करके देख सकते हैं। देन ये बीए का पेपर हुआ है, अभी अभी बीकॉम और बीएससी वालों का होना बाकी है, तो आप इस मॉडल पेपर को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज जरूर कीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, हमारे इन फ्यूचर काम आएगा, चूंकि अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, अभी आप सेकंड ईयर में भी जाएंगे, थर्ड ईयर में भी जाएंगे, तो आपका यहाँ पर इसी प्रकार से सहयोग रहा तो मैं आपको और वीडियो प्रोवाइड करवाती रहूंगी। देन आप मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने के बाद में अगर आपको लगता है उसमें से क्वेश्चन आते हैं या कुछ होते हैं तो उसके कमेंट जरूर कीजिएगा। और हम यहाँ पर
जो मॉडल क्वेश्चन पेपर मैंने दिया था, मैं आपको आज उसका कंपेयर करके बता देती हूँ जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर में से। तो वो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे। सबसे पहला क्वेश्चन ही आ गया है, कंप्यूटर के जो ब्लॉक डायग्राम को चित्र सहित समझाइए। देखो इधर यहाँ पे मैंने निशान लगा रहा है, कैश मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर व इंटरप्रेट में अंतर, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाते हुए इसके कार्य लिखिए। और अब यहाँ पे महत्व भी पूछ लिया है, बाकी मैंने महत्व नहीं दिया था, केवल कार्य दिए थे। और ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकार, चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का ही क्वेश्चन आया था, इसके प्रकार नहीं पूछे थे। रिसाइकल बिन को संक्षिप्त में समझाइए, स्पेल चेकिंग को समझाइए, पावर पॉइंट, स्लाइड शो, डिस्कशन सपोर्ट सिस्टम यानी डीडी सॉरी डीएसएस पर संक्षिप्त टिप्पणी। और संक्षिप्त टिप्पणी में सब कुछ आ जाता है, अगर आप ज्यादा कुछ नहीं लिख पाए, थोड़ा भी लिख पाए तो भी मार्क्स मिल जाते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम एमआईएस में आपका डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण, क्रिप्टोग्राफी, डिजिटल सिग्नेचर, ये यहाँ पर जो मॉडल क्वेश्चन पेपर में से पूछे गए, बीए फर्स्ट ईयर जो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का पहला पेपर है उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन अभी आप लोगों का यहाँ पर जो बीकॉम देन बीएससी है उसके भी क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में से थोड़े बहुत आ सकते हैं। तो प्लीज फ्रेंड्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू।